हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हेयर आई एम कुसुमलता। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी 7 लेसन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द नेम ऑफ दिस लेसन इज यूरेका, द स्टोरी ऑफ द आर्किमिडीज। लेट्स वार्म अप अ लिटिल। क्या आपको लगता है कि हम एक्सीडेंटल डिस्कवरीज करते हैं, या क्या हम न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए अलर्ट रहने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करते हैं? डिस्कस दिस विथ योर फ्रेंड्स, व्हाट डू दे थिंक। क्या आपने कभी एक्सीडेंट से कुछ डिस्कवरी की है? जस्ट थिंक। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अ लॉन्ग टाइम एगो, इन फार अवे एंशिएंट सिसिली, देयर वाज ए ग्रीक सिटी नेम्ड सिरेक्यूज that was in deep trouble. Syracuse had been at war with the city of Carthage for nearly 100 years and was losing the battle, while the leaders of Syracuse were fighting amongst themselves for power. बहुत समय पहले एंशियंट सिसली के दूर के इलाके में एक ग्रीक सिटी थी जिसका नाम सिरेक्यूज था, जो गहरी मुसीबत में था। सिरेक्यूज लगभग 100 years तक कार्थेज सिटी के साथ वार में रहा था और लड़ाई हार रहा था, जबकि सिरेक्यूज के जो लीडर थे वो पावर के लिए आपस में लड़ रहे थे। फ्रस्ट्रेटेड एंड डेस्परेट फॉर ए सॉल्यूशन, जो सिरेक्यूज सोल्जर्स थे उन्होंने एक कमांडर को इलेक्ट करने का फैसला किया जो बार विन कर सकता है और उन्हें इस झंझट से बाहर निकाल सकता है। सो दे चूज अ यंग जनरल नेम्ड हैरो टू शॉर्ट थिंग्स आउट फॉर देम। हैरो भले ही यंग थे बट ब्रेव और क्लेवर थे। उन्होंने अपने सोल्जर्स को अपने एनिमीज के अगेंस्ट विक्ट्री के लिए प्रेरित किया और फिर सिरेक्यूज सिटी पर कंट्रोल कर लिया, और आपस में जो नेता फाइट कर रहे थे उन यूजलेस लीडर्स को किकिंग आउट किया, मींस बाहर निकाला। सिरेक्यूज के सिटीजंस हैरो से इतने इम्प्रेस्ड थे कि उन्होंने उसे अपना किंग इलेक्ट कर लिया। गॉड्स के प्रति अपनी ग्रेटिट्यूड को शो करने के लिए हैरो ने अपने फेवरेट टेम्पल को एक गोल्डन लॉरल ब्रीथ गिफ्ट करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सिटी का जो बेस्ट गोल्ड स्मिथ था, सुनार था, वो चुना। उसे कुछ गोल्ड दिया और उसे गॉड्स के लिए ब्रीथ मींस माला बनाने का ऑर्डर दिया। गोल्ड स्मिथ में वैसा ही किया जैसा कि उसे कहा गया था, और उसने बिना समय गवाए जटिलतापूर्वक एक सुंदर सोने की माला बनाई। हैरो ने ब्रीथ का वेट किया और फाउंड किया कि वेट एग्जैक्टली द सेम एज द अमाउंट ऑफ गोल्ड दैट ही हैड गिवन टू द गोल्ड स्मिथ, एंड सो ही हैड पेड द गोल्ड स्मिथ handsomely and sent him on his way. हैरो ने ब्रीथ को टेम्पल में प्रेजेंट करने से पहले कुछ अफवाहें सुनी थी। उसने सुना था कि गोल्ड स्मिथ ने उसे चीट किया है। उसने ये भी सुना था कि गोल्ड स्मिथ ने कुछ गोल्ड को एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सिल्वर के साथ में रिप्लेस्ड कर दिया था, एंड द ब्रीथ वॉज नॉट प्योर गोल्ड एज प्रोमिस्ड। हैरो ये जानने के लिए गुस्से में था कि उसे चीटेड किया गया है, लेकिन वह विदाउट प्रूफ के गोल्ड स्मिथ को पनिश नहीं दे सकता था। और अगर गोल्ड स्मिथ ने वास्तव में उसे चीट किया है तो गोल्ड स्मिथ को पनिश करना होगा, एंड द ब्रीथ कुड नॉट लॉन्गर बी गिवन एज एन ऑफरिंग टू दी गॉड्स। लेकिन अगर गोल्ड स्मिथ ऑनेस्ट था तो ब्रीथ रिमैंड अ सेक्रेट ऑफरिंग ऑफ प्योर गोल्ड फिट फॉर द गॉड्स, और इसे प्लान के अकॉर्डिंग टेम्पल में रखा जाएगा। इसलिए यह इम्पोर्टेंट था कि ब्रीथ लेइंग सेरेमनी से पहले और ब्रीथ को नुकसान पहुँचाए बिना हैरो फाइंड आउट द ट्रुथ क्विकली। हैरो जानता था कि सिरेक्यूज में केवल एक ही आदमी है जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, हिज कज़न आर्किमिडीज। हालांकि आर्किमिडीज ओनली 22 years ओल्ड था, ही वॉज ऑलरेडी अ फेमस मैथमेटिशियन, इंजीनियर एंड साइंटिस्ट। इस पजल में आर्किमिडीज इतने कंज्यूम्ड हो गए कि उसने डे एंड नाइट इसके बारे में सोचा। ब्रीथ को मेल्टिंग किए बिना वह कैसे फाइंड करे कि ब्रीथ प्योर गोल्ड की थी। एक दिन वह इस थॉट में इतने खो गए कि सेरेमनी से पहले ब्रीथ की सच्चाई के बारे में कैसे डिस्कवर करें। आर्किमिडीज मॉर्निंग वॉक के लिए पब्लिक बाथ हाउस में घूम रहे थे जब उन्होंने अपने आप को पानी से भरे हुए टब में डुबोया
तो उन्होंने ये नोटिस किया कि टब के साइड्स में वाटर स्पिल्ड आउट हुआ है। जितना ज़्यादा उन्होंने अपने आप को टब में डुबोया, पानी उतना ज़्यादा साइड से फ्लो आउट हुआ। इस पॉइंट से उन्होंने हायरो की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कवर किया। वह अपनी इस डिस्कवरी से इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वह टब से बाहर निकले और विदाउट क्लॉथ्स सिरेक्यूज की स्ट्रीट्स में रन करने लगे और साउट करने लगे कि यूरेका यूरेका, जिसका ग्रीक में मीन्स होता है आई हैव फाउंड इट, आई हैव फाउंड इट। लेकिन आर्किमिडीज को टब ऑफ वाटर में क्या मिला था? उन्होंने जो डिस्कवर्ड किया था वह यह था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाटर में डूबा हो तो कुछ वाटर को ओवरफ्लो कर देता है या डिस्प्लेस्ड कर देता है। तो वाटर डिस्प्लेस्ड होता है उसका अमाउंट मोर या लेस हो सकता है। यह उस ऑब्जेक्ट के साइज़ पर डिपेंड करता है जो सबमर्ज्ड है। डिस्प्लेस वाटर के अमाउंट की मेजरिंग से ऑब्जेक्ट के शेप को रिगार्डलेस करके ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को डिस्कवर किया जा सकता है। सो ही कुड मेजर द वॉल्यूम ऑफ द ब्रीथ बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट डिस्प्लेस्ड। फिर कैसे इस डिस्कवरी से हायरो के क्वेश्चन का आंसर देने में हेल्प मिलेगी कि गोल्ड स्मिथ ने गोल्डन ब्रीथ में सिल्वर मिक्स्ड की है या नहीं? फिजिक्स में जब हम किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी की बात करते हैं, वी आर कंसर्निंग हाउ हैवी इट इज़ इन रिलेशन टू इट्स साइज। फॉर एग्ज़ाम्पल, आयरन वुड के कंपेरिजन में ज़्यादा डेंसर होता है तो लंप ऑफ आयरन सेम साइज की पीस ऑफ वुड से ज़्यादा हैवियर होगा या सेम वेट की पीस ऑफ वुड से मच स्मॉलर। अगर आप अ लंप ऑफ आयरन और अ पीस ऑफ वुड दोनों सेम वेट के वाटर में डालते हो तो वुड जो बड़ा होगा और इसलिए मोर स्पेस लेगा और मोर वाटर डिस्प्लेस करेगा डेंसर स्मॉलर लंप ऑफ आयरन के कंपेरिजन में। द स्पेस दे ऑक्यूपाई इज कॉल्ड वॉल्यूम। सिमिलरली सेम वेट के डिफरेंट मेटल्स में डिफरेंट वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट द आयरन इज डेंसर एंड हैवियर देन एल्यूमिनियम। इसलिए एक किलोग्राम का एक क्यूब ऑफ आयरन और एक किलोग्राम का ही एक क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम से मच स्मॉलर होगा। जब दोनों क्यूब्स को हम पानी में प्लेस्ड करते हैं या किया जाता है तो एल्यूमिनियम क्यूब्स आयरन क्यूब्स से मोर वाटर डिस्प्लेस कर देगा। आर्किमिडीज को पता था कि गोल्ड वाज डेंसर देन सिल्वर, इसलिए एक सर्टन अमाउंट का पीस ऑफ गोल्ड और पीस ऑफ सिल्वर से भी स्मॉलर होगा। अगर रियली में गोल्ड स्मिथ ने किंग ने जो गोल्ड दिया था उसे जो गोल्ड दिया था उसमें से कुछ चोरी की थी तो उसे ब्रीथ में सिल्वर के बराबर वेट से रिप्लेस कर दिया था। तो ब्रीथ का टोटल वॉल्यूम ओरिजिनल अमाउंट ऑफ गोल्ड के वॉल्यूम से ग्रेटर होगा। इसका सॉल्यूशन सिंपल था। आर्किमिडीज को ब्रीथ के वॉल्यूम का कंपेयर गोल्ड के अमाउंट से करना था जो हारियो ने गोल्ड स्मिथ को दिया था। सबसे पहले आर्किमिडीज ने दो सेम साइज के दो बोल लिए और ईच को दो लार्ज बेसल के मिडल में रखा। फिर उसने ईच बोल को वाटर से फिल्ड कर दिया। फिर उसने अ लंप ऑफ गोल्ड और अ लंप ऑफ सिल्वर ईच वेटिंग एग्जैक्टली द सेम एज द ब्रीथ ली और जेंटली उन्हें ईच बोल में लोवर्ड किया। ईच लंप ने एक सर्टन अमाउंट में वाटर डिस्प्लेस्ड किया जो कि बेसल में स्पिल्ड आउट हो गया। आर्किमिडीज ने डिस्प्लेस्ड वाटर को केयरफुली मेजर्ड किया और जैसा उसने सोचा था सिल्वर ने गोल्ड के कंपेयर में मोर वाटर डिस्प्लेस्ड किया। नाउ केम द फाइनल टेस्ट। आर्किमिडीज ने दोनों बोल्स को फिर से वाटर से रिफिल्ड किया और इस बार उसने जेंटली लंप ऑफ गोल्ड को लोवर्ड किया जिसका वेट एग्जैक्टली द सेम एज द ब्रीथ इनटू द फर्स्ट बोल एंड द ब्रीथ इटसेल्फ इनटू द सेकंड। अगर ब्रीथ प्योर गोल्ड से बनी होती है तो यह शेप में उनके डिफरेंस की परवाह किए बिना फर्स्ट बोल से लंप ऑफ गोल्ड के बराबर वाटर डिस्प्लेस्ड कर देगी। अगर ब्रीथ गोल्ड सिल्वर या एनी अदर मेटल की है तो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड में डिफरेंस होगा।
आर्किमिडीज ने फाउंड किया कि ब्रीथ ने रियली में सेम वेट के लंप ऑफ गोल्ड से मोर वाटर डिस्प्लेस कर दिया है, जिससे प्रूफ होता है कि चाहे वे कितनी भी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड हो, द ब्रीथ वॉज नॉट मेड ऑफ प्योर गोल्ड एंड दैट द गोल्ड स्मिथ हैड चीटेड किंग हायरो। गोल्ड स्मिथ को कोर्ट में बुलाया गया और उसके काम के लिए उसे पनिश्ड किया गया। दिस इज द स्टोरी ऑफ आर्किमिडीज। Thank you. Have a good day.